हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस 13 हर साल की तरह इस बार भी विवादों में घिर गया है। लेकिन इस साल तो ये विवाद इतना बढ़ गया है कि शो के शुरुआती हफ्ते में ही बिग बॉस को बैन तक करने की मांग की गई है। आखिर क्यों भड़क रहे हैं बिग बॉस को देखकर लोग, क्या रीज़न है जो लोग इसे बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में इससे रिलेटेड सारी सच्चाई बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी और लेटेस्ट और मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। गाइज, बिग बॉस 13 के इस सीज़न को शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और लोग इस शो पर भड़क गए हैं, और वजह है इस शो के कंटेंट। दरअसल शो का इस साल का फॉर्मेट है BFF, यानी बेड फ्रेंड्स फॉर एवर, जिसमें एक लड़का और लड़की बेड पार्टनर है। इसी को लेकर लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं, और बात सिर्फ इसके कंटेंट की ही नहीं है गाइस। सोशल मीडिया पर कई लोग लव जिहाद फैलाता बिग बॉस, हैशटैग बॉयकॉट बिग बॉस और हैशटैग अनसब्सक्राइब कलर्स टीवी जैसे हैशटैग को ट्रेंड करा रहे हैं। और बात सिर्फ आम जनता के विरोध की नहीं है, बल्कि अब तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने भी प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भी लेटर लिखकर इस शो को बंद करने की मांग कर दी है। एक यूज़र ने तो PMO इंडिया को भी टैग करके लिखा है कि कब तक PMO सोता रहेगा और ये चीज़ें नज़रअंदाज करता रहेगा, क्योंकि उनका कहना है कि इस शो में वल्गैरिटी हद से ज़्यादा है। कुछ यूज़र्स ने कलर्स के चैनल को भी अनसब्सक्राइब करने की मांग कर डाली है। तो दोस्तों, इस अपडेट पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारी वीडियोज़ को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए।